हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घरौंदा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं वापस से सेकेंड डे पहुंच गई हूँ ग्रैंड नर्सरी मेले में। बिकॉज़ सेकेंड डे हमारे टेरेस गार्डन, हैदराबाद के जो भी टेरेस गार्डनर्स हैं उनकी और मेरी मीटिंग थी। हम लोग मिलने वाले थे यहाँ पर, जो भी हैदराबाद में टेरेस गार्डनिंग करते हैं। तो लास्ट तक देखिए कि वो लोग कौन हैं और हम लोग ने क्या क्या किया। और बहुत अच्छे गार्डनर्स हैं वो भी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक देखिए फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड जो रेड कलर का बटन होता है सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कीजिए और उसके बाजू बेल आइकॉन आएगा उसे भी प्रेस कीजिए। थैंक यू। और ये जो आप देख रहे हैं ये है सारे सकलेंट के पॉट्स। सकलेंट्स एक ऐसी वैरायटी के प्लांट्स है फ्रेंड्स, जो बिल्कुल साइज़ में छोटे उगते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ग्रो होने में। और इसे इंडोर में रखा जाता है बिल्कुल कम पानी। आप पॉट का साइज़ देखकर ही समझ सकते हैं कि प्लांट के रूट्स की साइज़ क्या हो सकती है और प्लांट का साइज़ क्या हो सकता है। तो एकदम छोटे से मिनिमम से प्लांट ग्रो होते हैं जिसके रूट्स बिल्कुल छोटे होते हैं फ्रेंड्स, तो उसे सकलेंट्स कहा जाता है। और ये बहुत स्टर्डी वैरायटी के होते हैं, स्टर्डी माने बहुत हार्ड होते हैं। और ये स्टॉल है फरीदाबाद का फ्रेंड्स। यहाँ पे ये नर्सरी मेले में बहुत सारे स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स से भी लोग आए हैं, अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, अपने अपने प्लांट्स की एग्जिबिशन लगाए हैं। बहुत वैरायटी के प्लांट्स हैं, बहुत वैरायटी के सकलेंट्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे आर्टिफैक्ट्स हैं अपने गार्डन को सजाने के लिए। ये सारे स्टैचूज हैं, वैरायटी के पॉट्स हैं, बट प्राइस में बहुत एक्सपेंसिव है फ्रेंड्स। ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज ये बहुत टाइम लेते हैं ग्रो करने में। ये देखिए कितना अच्छा सेटअप किया है ये लोगों ने। ये देखिए, इसे ही कहते हैं सकलेंट्स। जी हाँ, ये है सकलेंट वैरायटी के प्लांट्स। और बहुत सारे वैरायटी के पॉट्स, स्टैंड्स जो आपके गार्डन की शोभा और भी बढ़ा देते हैं, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने अपने गार्डन की जगह के हिसाब से स्टैंड्स है। और ये टूल्स है, ये टूल्स कुछ 100 रुपीज़ के थे फ्रेंड्स। जो भी हमारे गार्डन में काम आने के चीज़ें हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हाइड्रोफोनिक वे ऑफ कल्टीवेटिंग आवर लीफी वेजिटेबल्स। हाइड्रोफोनिक सिस्टम माने बिना मिट्टी के भाजियाँ उगाना। जी हाँ फ्रेंड्स, बिना मिट्टी
मिट्टी के या इसमें भाजियाँ उगाई जाती है, ओनली लीफी वेजिटेबल्स, इसमें टमाटोज, पिंटोल्स, चिलीज, कोई भी अदर प्लांट्स नहीं उगा सकते हैं, सिर्फ आप भाजियाँ उगा सकते हैं। ये देखिए पार्सले, बेसिल, कैबेज, लेट्यूज, हाइड्रोपोनिक सिस्टम माने जिसमें सिर्फ पानी में सब्जियां उगाई जाती है, भाजियां उगाई जाती है बिना मिट्टी के। तो चलिए सुनते हैं मनोज जी क्या कहते हैं। सॉइलेस कल्टीवेशन, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं इसको। ओके, पूरे वाटर में ग्रो करते हैं, सिर्फ वाटर रहता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं इसमें। एंड ये क्या है? ये तो क्ले बॉल्स है, ये 11,000 डिग्री में मिट्टी को हीट कर रहता है, ऐसा होता है। अच्छा, इसको ये एरिएशन और प्लांट सपोर्ट के लिए। ओके, तो इसको क्या फर्टिलाइजर क्या प्रोवाइड कर? माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लिक्विड फॉर्म में देते हैं, वो टैंक में देते हैं। टैंक में देते हैं, तो ये स्टैंड कैसा बनता? इसको कुछ भी पेस्टिसाइड अटैक नहीं होता? ओनली लीफी वेजिटेबल्स, ओनली लीफी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट प्लांट्स कुछ भी नहीं आता, ब्रिंजॉल, टमाटो? इसके रूट्स बड़ा होता है। हाँ, ये साइज छोटा है ना? हाँ, और वो ग्रो बैक करता है। ओके, इसका टैंक कैसा रहता है, सिस्टम इसका? 200 लीटर टैंक होता है, ये बड़ा वाला। ओके, इसमें से आप पूरा इसको वायरिंग कनेक्ट, रिसर्कुलेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगाते हैं, मोटर अगर लाइट नहीं है तो? होता नहीं, अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गया, लाइक करंट नहीं है तो एनी अदर ऑप्शन? 3-4 आवर्स तक सस्टेन, कंटिन्यूस पानी आता। तो ये आपका लोकल पे है ये मैन्युफैक्चरिंग? जी डी मेटल, पाइप लाइन रोड। ओके, डू यू हैव एनी कार? हेलो, एक मंचिनो मेक इटली स्टोनानो माना स्टार विद Your good name? Manoj. Dr. Modi, any biotechnology star on the I start with a immunity booster. Okay. Make it free samples is to narrow. Kindly discontinue. Please order when I start A block. Thank you. Dandam. What is the cost for the small structure? It is for 9,000. Okay. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा हाइड्रोपोनिक सिस्टम का स्ट्रक्चर है जिसमें 24 प्लांट्स है विथ मोटर और विथ टब। ये 9,000 का है, 9,000 रुपीज में मोटर, टब और ये स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है, जिसकी बालकनी छोटी है, बालकनी में भी आप ऐसे सेटअप कर सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद आया। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बॉन्साई। जी हाँ, ये एकदम एक्सक्लूसिव वैरायटी के प्लांट्स है, ये बहुत हाई क्लास के प्लांट्स बोल सकते हैं। जी हाँ, ये जो जाली आप देख रहे हैं, ये झाड़ के स्टेम्स है, या दीज आर स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स। इस ये भी एक कला है फ्रेंड्स, इसे भी स्टेम्स को भी मोड़ना पड़ता है। जब ये स्टेम्स कौनली होती है तभी इसको हल्के हल्के धीरे धीरे से शेप में लाया जाता है। आपको जो भी शेप चाहिए वो हिसाब से इसको मोल्ड किया जाता है, तो तब जाके हमें ऐसे बॉन्साइज तैयार होती है। बहुत टाइम लगता है ऐसे प्लांट्स उगाने में। और ये देखिए, ये सारे सकलेंस के वैरायटीज़ है जो कि 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। और ये पूरे इंडोर प्लांट्स, क्रोटन्स, ये सारे वैरायटी पे डिपेंड्स है प्राइसेस। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप पॉट स्टैंड्स देख रहे हैं, ये जो स्टॉल देख रहे हैं, ये है न्यू मेगा सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स का स्टॉल।
दोस्तों नमस्ते फ्रेंड्स, आपको याद है मैं जहाँ से मेरी गार्डन की शॉपिंग करती हूँ, पॉट्स लेती हूँ, बीज लेती हूँ, इसके बारे में भी मैं पहले एक वीडियो बनाई थी न्यू मेगा सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में, जो कि हैदरगुड़ा में सिचुएटेड है। तो ये स्टॉल वो लोग का ही है, हर बार हर एग्जीबिशन में ये लोग स्टॉल लगाते हैं। और इस बार तो बहुत अच्छे वैरायटी के सीड्स, फ्लावरिंग सीड्स, फ्रूटिंग सीड्स, बहुत अच्छे क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स और हर एक हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब्स, प्लांट्स और सारे फ्रूटिंग और सारे एग्जॉटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के भी सीड्स थे इनके पास। इस बार बहुत अच्छी वैरायटी थी इनके पास एग्जीबिशन में। और इस बार एग्जीबिशन में भी बहुत भीड़ थी फ्रेंड्स, पांचों भी दिन बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है, हमेशा से ज़्यादा। इस बार एग्जीबिशन में बहुत भीड़ थी, मे बी बिकॉज ऑफ दी लॉकडाउन। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट दिखाए हैं, बहुत सारे लोग टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट किए हैं, न्यू गार्डन सेटअप किए हैं, गार्डनिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाए हैं। तो मे बी बिकॉज ऑफ दी लॉकडाउन इस बार एग्जीबिशन में बहुत भीड़ थी, बहुत स्टॉल्स भी, अच्छे अच्छे स्टॉल्स आए थे वेरियस स्टेट्स से। थैंक्स टू लॉकडाउन बोल सकते हैं, बिकॉज अपना खाना खुद उगा रहे हैं फ्रेंड्स और एकदम प्योरली ऑर्गेनिक फॉर्म में अपने सब्जियां अपन उगा रहे हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटे बालकनी हैंगिंग पॉट्स है, जस्ट फॉर शो पीसेस। आप इसमें सकलेंट्स भी उगा सकते हैं, बालकनी में आप हैंग कर सकते हैं, बहुत प्रिटी लग रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे हैदराबाद के टेरेस गार्डनर्स एंड सम ऑफ माय सब्सक्राइबर्स जो मुझे सैपलिंग्स दे रहे हैं, उनके गार्डन में जो जो भी है वो मुझे स्वैप कर रहे हैं
तो खास करके ये आंटी श्री लक्ष्मी आंटी है जो सिकंदराबाद से है, शी इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर ऑल्सो एंड माई गार्डनर फ्रेंड्स. इंदिरा टेरेस गार्डन. ओके, आंटी को भी एक चैनल है इंदिरा टेरेस गार्डन, आप वो भी देख सकते हैं. प्लांट आंटी, हाय. यस, सो योर लावण्या. आई एम लावण्या. Hi, you are from LB Nagar. Auntie. Hi, I am Sri Lakshmi from Sikandarabad. Hi, and Auntie. I am Rama Devi from Shadnagar. So, these are all my Hyderabad garden friends and someone missing, no? Yeah. we all miss you a lot. So, let's meet in our next meeting. So, bye-bye. And thank you for these swappings. Thank you all. लिहाजा आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग मास्क इस्तेमाल करें.